music. सो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे टैप कीजिएगा, 900 का एसयू रख लीजिएगा, रेजोल्यूशन 1080, फ्रेम रेट 60 या 30 रख लीजिएगा, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया में जाइएगा, जिस भी फाइल में आपका इमेज होगा उस फाइल में आपको सिंपली चले जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ठो इमेज आपको यूज करना है, एक ऊपर और एक नीचे। तो आप देख लीजिएगा आपके पास जो भी इमेज होगा उसे ले लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इमेज पहले से एडिट किया हुआ रखा हुआ था, तो मैं उसी इमेज को देख लेता हूँ, अगर होगा तो उसी को ले लूँगा। आप इस तरह की इमेज बना भी सकते हैं या फिर मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ। चलिए बनाकर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, दूसरा वाला सिलेक्ट कीजिएगा, ऊपर में ये वाला ऑप्शन पे टैप कर दीजिएगा, दोनों ही इमेज यहाँ पे आपको ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला इमेज है, इस इमेज को हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे आधा पे बीचों बीच रख लीजिएगा इस तरह से। देन ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा और ऊपर करते हैं इसे। देन इस तरह से रखना है कि एकदम बीचों बीच आ जाए इमेज जो है, तो इतना पे हम रख लेते हैं ये इस तरह से। थोड़ा सा इस इमेज को हम छोटा करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्रीन पर टैप कर दो, प्लस के पर क्लिक करेंगे, एक थोड़ा शेप सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसे थोड़ा इस तरह से रख लेंगे और फिर इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो इमेज है इसे और ऊपर से शेप को, और ये डिलीट बटन के जो जस्ट बगल में ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर थोड़ा कट हो जाएगा। अब इसे हम आसानी से ऊपर की तरफ यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से रख लेते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर टैप कीजिए, प्लस के पर क्लिक कीजिए, एक थोड़ा शेप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन इस शेप को यहाँ पर जूम कर लीजिएगा, थोड़ा इसे थोड़ा बड़ा करेंगे इतना, और यहाँ कलर एंड फिल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, ये डबल कलर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। इस पॉइंटर को बीचों बीच ले आइएगा और इस पॉइंटर को ऊपर की तरफ बीचों बीच इस तरह से रख लीजिएगा। यहाँ ब्लैक वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, पेंसिल के नीचे जो ये वाला ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे ट्रांसपेरेंट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ये व्हाइट वाला जो नीचे पॉइंटर, इसे थोड़ा ऊपर लेकर आइएगा, तो यहाँ पर थोड़ा ये गाढ़ा दिखने लगेगा, इस तरह से व्हाइट वाला जो है थोड़ा इस तरह से बोल्ड दिखेगा, ठीक है इतना पे। अब इसे स्क्रीन पे टैप कीजिए, बैक आ जाएगा। यहाँ से इसका एक थोड़ा डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करने वाले से पहले इसे थोड़ा हम रोटेट कर लेते हैं, तो इस तरह से रोटेट कर लीजिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसे एडजस्ट भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसे बीचों बीच ऊपर की तरफ यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है इतना पे रखते हैं कि ऊपर वाला यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। देन इसका एक थोड़ा डुप्लीकेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेट मैंने कर दिया, डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा और इसे यहाँ पे 99 डिग्री पे रोटेट कर दीजिएगा, ठीक है इस तरह से 99, और फिर इसे इस तरह से यहाँ पे थोड़ा रख लेते हैं, ये 99 नहीं रहेगा, थोड़ा और इसे इतना पे रखते हैं, ठीक है इस तरह से रख लीजिएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, दोनों साइड में शेप यहाँ पे देख सकते हैं मिल गया। अब इसे ना आप ग्रुप बना दीजिएगा, क्योंकि इसका तो इतना ही ज़रूरत था। अब इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, आप जहाँ पे भी रखना चाहते हो, तो इस तरह से मैं इसे रहने देता हूँ यहाँ पे, ताकि दोनों ईमेल सही से यहाँ पे दिखाई दे। इसके बाद स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो वाले सेशन में जाइएगा, जिस भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को सिंपली ले लीजिएगा। ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिए, लास्ट तक आ जाइएगा, जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम का सॉन्ग रख लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट करके हटा दीजिएगा। फिर इस तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जैसे मैंने कर लिया, ये वाली ऑप्शन पर टाइप कर दीजिएगा, आपका तीनों जो यहाँ पे जो भी मटेरियल है सबका सब लास्ट तक आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आ गया। अभी आपको यहाँ पर लाइकल्स जो है उसे चलाकर और यहाँ पर आपको बीट लगा लेना है, ये वाला जो बीट आता है मैं अभी आपको लगा कर दिखा, तो ये वाला तो ये आपको लगा लेना है, क्योंकि जब हम लाइटिकल्स में यहाँ पे इफेक्ट दे देंगे तो आप उसे नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि जो इफेक्ट कुछ न्यू लाइट मोशन में प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट लाइटिकल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे हम देख लेते हैं, तो फर्स्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक बीट लगा देते हैं, फिर इसे प्ले करते हैं, कैसी ये जुदाई है यहाँ तक आ रहा है। तो पूरा लाइन जो भी आपका लाइरिकल्स होगा उसे पूरा लाइन आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो पूरा लाइन पे बीट लगाइएगा, आंख भर मेरी आई है यहाँ तक आ रहा है, देन इसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक तो बीट लग गया, ये वाला यहाँ तक आ गया। तो चलिए मैं इतना ही करके आपको दिखाता हूँ, आप आगे तक कर लीजिएगा पूरा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है और मैंने जो टेलीग्राम पे एक एक्सएमएल फाइल दिया उसे आपको ओपन कर लेना है। अगर आपको एक्सएमएल यूज करना नहीं आता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला एक्सएमएल आपको मैंने दे दिया, जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लाइरिकल्स जो लगा हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है, लाइरिकल्स को दो ठो सॉन्ग के ऊपर जो लाइटिकल्स है या ऊपर से ही यहाँ पे जो ऊपर से दो ठो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा और ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करना है यहाँ पे कॉपी टू लेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा।
देन यहाँ से बैक आ जाएगा, जो प्रोजेक्ट अभी आप बना रहे हैं तो उस पर आ जाइएगा और जहाँ पे बीट लगाए थे वहाँ पे आइएगा और ये वाली ऑप्शन पे टैप कीजिए, यहाँ पे पेस्ट टू लेयर कर लीजिएगा, आपका लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये वाली फॉन्ट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास होगा तो फॉन्ट आपका डायरेक्ट इस तरह से आ जाएगा, अगर ये फॉन्ट आपके पास नहीं होगा तो इस तरह से नहीं आएगा तो आपको फॉन्ट यहाँ पे ऐड करना होगा, तो सिंपली फॉन्ट को ऐड कीजिएगा। ये वाला फॉन्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो एक फर्स्ट ये वाला फॉन्ट है यहाँ पे देख सकते, इसका नाम है एम्स्टर्डम, ठीक है। तो इसे पहले आप लाइट मोशन में ऐड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। और इसके बाद एक दूसरा वाला जो है ये है फिलिक्स गर्ल करके जो फॉन्ट आता है ये वाला, तो आपको दोनों फॉन्ट यहाँ पे रख लेना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीट जो हम लगाए थे उससे थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे और ये ड्यूरेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। फिर ये सेकेंड वाला जो लाइन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिएगा और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना लाइट कलर से टाइप करना है, तो मेरा लाइट कलर से तो जो यहाँ पे है वही है, बट आपको इस पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है यहाँ से और इसे कट करना है, जो पहले से यहाँ पे लिखा है उसे क्लियर करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन जो है उसे टाइप कर लेना है। तो मेरा फर्स्ट लाइन है कैसी ये है, तो यहाँ पर फर्स्ट में जो भी लाइट कलर से आपका जो भी लाइन होगा तो उसे आधा आधा आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो जैसे यहाँ पर मेरा लाइन जो है वह है कैसी है जुदाई है, तो यहाँ पे फर्स्ट में मैंने टाइप किया कैसी ये, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक कर लीजिएगा, देन सेकेंड वाले में आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है जुदाई है, तो ये पहले से जुदाई यहाँ टाइप है बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। देन सारी चीज़ें सही है, आपको राइट क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देख लेना है कि आप कितना बड़ा फॉन्ट रखना चाहते हैं, तो सिंपली उसके लिए आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ 28 PT है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, एडिट टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ पे इसे आप जितना बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा लीजिएगा। देन इसे यहाँ पे आपको इस तरह से सेट कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, इसका फर्स्ट लेटर मैं कैपिटल कर देता हूँ, दोनों मेरा स्मॉल था तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसे फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं सिलेक्ट करके और यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसे और ऊपर नीचे कहीं एडजस्ट करना है तो सिंपली इसे इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा, फिंगर की मदद से ही इसे ऊपर नीचे कर दीजिएगा, बटन की मदद से नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसमें की लगा हुआ है आपका की खराब हो जाएगा। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से नीचे की तरफ लेकर आते हैं, इतना पे इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन जो हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब आपको क्या करना है, यहीं से आपको इसे कॉपी करना है, इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा और ये डबल लेयर्स वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कॉपी टू लेयर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बीट जहाँ पे आप लगाए थे वहाँ पे आ जाइएगा और इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेस्ट टू लेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट वाले बीट पे आइएगा, इसे सेलेक्ट कीजिए, ड्यूरेशन पे क्लिक कीजिए, आगे तक क्लिक करा जाइएगा, फिर नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ ड्यूरेशन पर क्लिक कीजिए और इसे लास्ट तक क्लिक करा जाइएगा, इस तरह से। अब इसका लाइरिकल्स तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लाइरिकल्स जो टाइप कर दिया, तो इसे एक बार प्ले करके देखिएगा कि सेकेंड वाला लाइरिकल्स स्टार्ट कितना देर पर से हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से हो रहा है कैसी है तो फर्स्ट वाला है और जुदाई यहाँ से, तो ये जितना पे है ड्यूरेशन पे क्लिक कीजिए, एक्स्ट्रा जो आगे वाला पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। अगर आपका पहले से स्टार्ट होगा तो ये वाली ऑप्शन पे टाइप कीजिए तो आपका लाइन आगे तक आ जाएगा, तो मेरा पीछे से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हो रहा है वहाँ तक मैं रहने देता हूँ। फिर नेक्स्ट इसी तरह से आपको इसे क्लिक करना है, आँख भर मेरी आई है, तो आँख भर ऊपर वाले में रहेगा, तो एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो लिखा है उसे क्लियर कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे आँख भर, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। देन फिर से प्ले कीजिएगा और इसे प्ले चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ से थोड़ा आगे जाकर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरी, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा आगे वाला उसे कट कर देंगे और फिर ये वाली ऑप्शन पर टाइप करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, जो पहले से यहाँ पे लिखा हो उसे क्लियर कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे मेरी आई है और सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे कैपिटल कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, तो देख सकते हो गया। देन यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे, तो एक बार फिर आगे की तरफ करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दो लाइन में हो गया क्योंकि फॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया था, तो एडिट टेक्स्ट में चलते हैं 40 PT है, तो इसे थोड़ा छोटा करेंगे ताकि एक ही लाइन में यहाँ पे ये आ जाए, इस तरह से इसे छोटा करके आप एक लाइन में इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर ऊपर वाले को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि अच्छा लगे देखने में, तो इसे भी थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट क्लिक करते हैं। तो अभी इसी तरह से आपको पूरा लाइट कल्स कंप्लीट कर लेना, तो अभी जब आप प्ले करेंगे ये, तो इस तरह से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा ये लेग करना, फ़ोन जो इसमें जब इफेक्ट लगाते हैं तो लेग करने लगता है, इसलिए मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल नहीं बताया, इस तरह से मैं प्रोजेक्ट बनाकर आपको दे दिया ताकि आप आसानी से कर सकते हो। तो एक्सएमएल मैंने दे दिया है टेलीग्राम पर, अगर आपको एक्सएमएल यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस तरह से वीडियो आप बनाते काफ़ी क्रिएटिव लगता है देखने में, तो इस तरह की वीडियो आप आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा तो सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है। और उसे फ्रेंड्स यहाँ पे जो इमेज है इसमें अगर आप इफेक्ट देना चाहते हैं इमेज में, तो सिंपली इमेज को सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, नीचे यहाँ पे अदर पे जाइएगा,
यहाँ चैनल रैंप का जो ऑप्शन आ रहा है तो इस पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी है तो इसे जी पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट ऑटोमेटिक ऊपर में चेंज हो रहा है, या फिर यहाँ पे वाई भी आप कर सकते हो तो वाई कीजिएगा, तो कुछ इस तरह से आएगा जैसा कि ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर वाले को इसका भी आप इफेक्ट चेंज कर सकते हो, ऊपर वाले को भी वाई कर सकते हैं, जी कर सकते हो, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो किसी पे भी हम क्लिक करेंगे तो उसका इफेक्ट चेंज ही होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, तो मैं इसे ही रहने देता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे ही, मैंने बस आपको अपने इमेज के लिए बता दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप पूरा लाइकल्स कंप्लीट कर लीजिए, आपका स्टेटस बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे टाइप कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए, और इसी तरह के एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे एक मिनट जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।